अगर आप तैयार हो तो हम आज का लेसन शुरू कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर आपको पता होगा तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर कैसे होता है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। और इटसेल्फ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को दो टाइप से डिफाइन किया गया है। अब आप कहोगे सर हमने तो एक ही टाइप पढ़ा है, आप अलग ही दो टाइप बता रहे हो। भाई थोड़ा रुक जाओ। पहला है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस, किसके लिए है? प्रोसेस के लिए है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दूसरा क्या है? थर्मोडायनेमिक साइकिल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर साइकिल, इन दोनों के लिए डिफाइन किया गया है। दोनों बहुत ही सिमिलर हैं, बायोलॉजिकली सेम है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो, थोड़ी सी इनकी आइडेंटिटी गलत है भाई। ये देखो पहले कौन आया? प्रोसेस आया होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो ये क्या हुआ? बाप हुआ, ये बेटा हुआ? नहीं, जुड़वा भाई नहीं है, ये बाप है, ये बेटा है। ठीक है, तो पहले हम थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करेंगे प्रोसेस के लिए, फिर डिफाइन करेंगे साइकिल के लिए। और साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आपको अगर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ समझना है तो तीन टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। पहली टर्मिनोलॉजी है वर्क। आपको अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आता है तो देखना चाहिए। अगर आपको आता भी है तो एक बार ट्राई करना चाहिए कि कुछ अलग तो नहीं सीख रहे आप यहाँ पे। दूसरी होती है हीट, दूसरी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है हीट। एंड थर्ड टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब तीनों को वन बाय वन हम डिफाइन करेंगे और क्या होती है इस इन दोनों का साइन कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला होता है वर्क। वर्क क्या होता है? मैं वर्क का पहले स्टेटमेंट बताता हूं, आप चाहिए तो लिख लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। इट इज द सोल इफेक्ट ऑफ द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड टू राइजिंग द वेट, दैट इज कॉल्ड द वर्क। वर्क क्या है? जब कभी भी आप किसी सिस्टम से बाहर, ये चीज ध्यान रखना है, सिस्टम से बाहर अब जो पूरा कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर रहे हो आप, क्या करने में? वेट को राइज करने में। तो वो क्या कर रहे हो आप? वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, हमने सिस्टम में क्या किया, एक अरेंजमेंट किया। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, हमने एक यहाँ पे अरेंजमेंट किया, एक हुक्स लगा दिया, हुक्स पे एक पुली लगा दी, पुली पे स्ट्रिंग लगा दी, स्ट्रिंग में एक वेट लटका दिया। और आप जैसे एक लड़के को यहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला कि बेटा इसको खींचना है, आप क्या कर रहे हो? इसको खींच रहे हो, ये वेट है W, ये वेट ऊपर जा रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे? वर्क प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? जिनका आंसर हाँ है उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, जिनका आंसर ना है वो सही है। ना है तो क्यों है? क्योंकि जो भी यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ विद इन द सिस्टम, और हमने कहा कि जो हमारा वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए दैट शुड बी क्रॉस द बाउंड्री। बाउंड्री, ये बाउंड्री है ना हमारे सिस्टम की, सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस होगा तभी वर्क माना जाएगा, अदरवाइज थर्मोडायनेमिक उसको वर्क नहीं मानता है। जैसे फिजिक्स भी, भैया फिजिक्स के हिसाब से आप कह दो ऐसे एक आदमी है यहाँ पे वेट लेके खड़ा, अपने सर पे वेट लेके खड़ा है, ये इसकी आंखें हैं, ये भी इसकी आंखें हैं, वेट लेके खड़ा है, ये वर्क कर रहा है? आप कहोगे सर नहीं कर रहा है। क्यों? कि आप कहोगे सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आदमी तो खड़ा है मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेट है, ये डब्ल्यू वर्क है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ क्या? चलिए अगली बार चेंज कर दूंगा, ठीक है, ये वर्क है, ये वेट है, वेट है, ठीक है, तो ये वेट है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क नहीं हुआ। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक में भी अगर वर्क आपके सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है तो उसे वर्क नहीं माना जाता है, ठीक है, रिमूव कर दें इसको। तो फिर वर्क किसको कहेंगे भाई थर्मोडायनेमिक में? ये हटा देते हैं, ये टर्मिनोलॉजी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है, सेम चीज़ को हम कैसे बनाएं तो वर्क माना जाएगा? सेम है हमारा ये सिस्टम है जिसको हम पहले भी बोल रहे थे कि हमारा सिस्टम है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक हुक लगा दिया, यहाँ पे पुली, ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक वेट रख दिया है। वेट कितना है? कुछ भी मान लो, ये बड़ा W बना देते हैं वेट का, और वर्क का छोटा बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग ला दिए और एक महाशय को दे दिए, बोले भैया इसको थोड़ा सा खींचना है। अब ये खींच रहे हैं, अब जो वेट राइजिंग हो रहा है दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वर्क है दैट इज आउटसाइड दिस सिस्टम बाउंड्री, ये सारे सिस्टम की बाउंड्री हैं। अगर ये सब टर्मिनोलॉजी आप नहीं पढ़े हो तो पहले लेसन में इन सबको डिस्क्राइब किया हूँ, प्रोसेस क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है, साइकिल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थर्मोडायनेमिक बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्क्राइब किया हूँ फर्स्ट लेसन में, आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा वर्क पॉजिटिव होगा और कौन सा वर्क नेगेटिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना आपको। तो मैं बताता हूं, इफ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम, इफ ध्यान से सुनना और लिख लो कहीं पर नोट करके, इफ वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम देन दैट वर्क इज द पॉजिटिव। मतलब कोई सिस्टम वर्क प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, W इज पॉजिटिव, वर्क बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, बाय सिस्टम, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड इसका अपोजिट होता है, ठीक वैसे वर्षा होता है, क्या होता है, इफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, मतलब W इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, कहाँ पे, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, इफ वर्क इज परफॉर्म ऑन द सिस्टम देन दैट वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना ही आपको समझना है कि वर्क सिस्टम पे हो रहा है तो नेगेटिव होगा, वर्क सिस्टम से हो रहा है या सिस्टम कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए रिमूव करते हैं, वर्क की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास हीट, हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, आप कहोगे सर हीट एनर्जी है, हाँ बहुत सारे लोग कहेंगे हीट एनर्जी है, हाँ ऑब्वियसली हीट एनर्जी ही है, बट हीट इज द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं बता रहा हूँ आप चाहो तो लिख लो, हीट इज द ट्रांजिएंट फॉर्म एनर्जी दैट इज क्रॉस द बाउंड्री बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो या टेम्परेचर ग्रेडियंट हो, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं रहेगा वहाँ पे हीट नाम की कोई एनर्जी नहीं रहेगी। समझ में आया ना, दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है वहाँ पे हीट फ्लो होगी, नहीं होगी जब तक कि वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ना आ जाए। तो हीट क्या है भाई, हीट इज द ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज क्रॉस द बाउंड्री बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसका साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, ये स्टेटमेंट आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, इसका साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है भाई, अगर ये कोई हमारे पास सिस्टम है, क्या है भाई, सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर हीट हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान से सुनना, सप्लाई कर रहा है या फिर अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसने अब्जॉर्ब किया है या फिर हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई किए हैं, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा भाई, ये पॉजिटिव होगा। अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो या सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है तो वो पॉजिटिव होता है। अगर सिस्टम से हीट रिजेक्शन हो रहा है, सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करना पॉजिटिव होता है, किसी भी सिस्टम से हीट रिमूव करना नेगेटिव होता है। एक और चीज़ सुन लो आप, अगर हीट ऐड करते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने की प्रॉबिलिटी होती है, बढ़ता है ना, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हीट रिजेक्ट करते हो तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर, ये मतलब साइन कन्वेंशन में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो बहुत सारे पैरामीटर आप लगा सको। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या है, हीट पॉजिटिव लेंगे, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो हीट को भी हटा देते हैं, अब हीट भी आप समझ गए होंगे। अब हमारे तीसरे टर्मिनोलॉजी है इंटरनल एनर्जी, तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है भाई, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब अंदरूनी शक्ति, नहीं कहते थे 52 बीटा खाओ अंदरूनी शक्ति बढ़ाओ, बचपन में नहीं पिलाते थे यार, अब तो पिलाते भी नहीं होंगे, तो पूछते भी नहीं होंगे, अब तो ये पूछते होंगे बेटा जेई का रिजल्ट आने वाला, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, बुआ का लड़का सेलेक्ट हो गया, तुम यही करो बस। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना पड़ोसी रिश्तेदार जो भी हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, जैसे मैंने कहा अंदरूनी शक्ति, तो इंटरनल एनर्जी इज द नथिंग बट
एनर्जी दैट इज डिफाइंड या फिर एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या फिर रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर इंटर मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है, काइनेटिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल या फिर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस होते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि हम माइक्रो लेवल की अब बात कर रहे हैं। इन सारों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टी होती है मेरे भाई, पढ़ लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। हीट और वर्क हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। वो कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन दी प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पाथ। वो जो थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस होता है उसके पाथ पे डिपेंड करते हैं। अभी प्रोसेस आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। मतलब हीट एंड वर्क नोट करके लिख लो कहीं पे, इट इज द पाथ फंक्शन एंड नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये चीजें लिख लेना। इंटरनल एनर्जी क्या होती है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी वाला लेसन आप जरूर देखना, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है ना, तो ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा ये क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मतलब एज लॉन्ग एज पॉइंट इज सेम इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम। पॉइंट इज सेम मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट जब तक सेम है तब तक इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कुछ है, यहाँ पे गए, इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, मगर फिर से यहाँ पे गए, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, फिर से घूम के हम यहीं पे आ गए, तो इंटरनल एनर्जी इन सब पूरे साइकिल की क्या होगी, जीरो होगी। यही चीजें तो साइकिल और प्रोसेस के थर्मोडायनेमिक में डिफरेंस है, बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब एज लॉन्ग एज पॉइंट इज सेम इंटरनल एनर्जी इज सेम, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में आप जान गए कि क्या होती है बेसिकली इंटरनल एनर्जी। तो इसको भी रिमूव करते हैं और आप फर्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक अपने मर्जी से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाते हैं। क्या बनाया हमने, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया ना आपको। इंटरनल एनर्जी में एक चीज और ऐड करना कि अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर, या फिर इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटता है इंटरनल एनर्जी घटेगी, ये चीजें याद रखना आप, ठीक है। ये हमने एक सिस्टम लगाया, इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा रहे हैं। कैसा भाई, मूवेबल पिस्टन विथ मासलेस मूवेबल पिस्टन है। ये क्या है, ये मासलेस है। हमने क्या किया, यहाँ पे हीट सप्लाई करने के लिए एक सिस्टम लगा दिया भाई। ये सिस्टम है, हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है। अब इसको जब हीट सप्लाई करेंगे, और ये आइडियल गैस इसमें फिल है। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो आइडियल गैस से आते हैं, जो भी वर्किंग सब्सटेंस होता है वो आइडियल गैस होती है, तो हम आइडियल गैस के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये किसी भी सिस्टम के लिए थ्रू होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आइडियल गैस है, जैसे हम इसको हीट सप्लाई करेंगे क्या होगा, जो ये वॉल है ना, किसका, सिलेंडर की वॉल है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, फिर उसके मॉलिक्यूल्स में, गैस के मॉलिक्यूल में कोलिजन शुरू होगा, फिर कोलिजन शुरू होगा तो एनर्जी ट्रांसफर शुरू होगी वॉल के मॉलिक्यूल से गैस के, फिर गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, उनमें कोलिजन शुरू होगा, एक दूसरे को स्ट्राइक करेंगे, वॉल पे स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, मगर प्रेशर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, ये मासलेस पिस्टन है, जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि ये मूवेबल भी है तो मूव कर जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो मान लेते हैं प्रेशर कितना है, पी है, और ये सिस्टम की जो सरफेस एरिया है, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो है ए। क्यों जरूरत पड़ेगी, अभी मैं बताऊंगा, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। मान लेते हैं कुछ टाइम बाद ये जो पिस्टन है हमारा यहां पे आ गया। कहां पे आ गया भाई, थोड़ा डैश बनाते हैं तभी तो लगेगा कि मूव करके गया, नहीं तो ओरिजिनल वाला चला जाएगा, ठीक है। तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया, सपोज ये जो पिस्टन है वो मूव करके
अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, वहाँ पे पहुँच गए। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, इसको हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, डेल्टा एक्स मान लेते हैं। और ये एज्यूम करेंगे कि ये जो डेल्टा एक्स ये पिस्टन मूव किया है, उस टाइम में हम कितना एनर्जी सप्लाई किए, कितना हीट सप्लाई किए, तो मान लेते हैं डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है, अच्छा ये पिस्टन मूव किया मतलब ये सराउंडिंग पे कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। भाई पहले तो इक्विलिब्रियम में था ना यहाँ पे, फिर यहाँ से हम हीट सप्लाई किए तो ये मूव किया किसके अगेंस्ट में, सराउंडिंग के प्रेशर के अगेंस्ट में, तो उसने कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा, चीजें माइंड में रखना आप। अब अगर हम बात करें कि सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, जो हमने हीट सप्लाई किया, इसका प्रेशर बढ़ा, पिस्टन मूव कर गया, इस मॉलिक्यूल की जो कैनेटिक एनर्जी बढ़ी, रोटेशनल एनर्जी बढ़ी, उसके वजह से इसका टेम्परेचर जो बढ़ा, तो जो टेम्परेचर में चेंज है वही तो इंटरनल एनर्जी में चेंज है। तो क्या हुआ, इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, कुछ हीट क्या हो गई, पिस्टन को मूव कराने में चली गई। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया, और कुछ तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली गई और कुछ पिस्टन को मूव कराने में लॉस हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा क्यू माइनस, मान लेते हैं ये कितना वर्क परफॉर्म किया, डेल्टा डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इतना ही लिखेंगे ना भाई, जो एनर्जी हमने सप्लाई किया वो इंटरनल एनर्जी में गई और कुछ वर्क परफॉर्म करने में गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इजक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही होता है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस। तो बेसिकली ये किससे डील करता है, एनर्जी कंजर्वेशन से। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है, एनर्जी कंजर्वेशन से डील करता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हो, उतना ही ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखो, हीट एनर्जी थी, कुछ वर्क में ट्रांसफर हो गई, कुछ इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। मैदर वही वाला लॉ जो पढ़ते आए होगा, हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम दी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही सब रामायण की कथा है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस। अब साइकिल के लिए क्या होगा, साइकिल के लिए होता है, साइकिल क्या होती है, साइकिल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। और मैंने जैसे कहा कि एज लॉन्ग एज पॉइंट इज सेम, इंटरनल एनर्जी इज द सेम, तो मान लो कोई ऐसी साइकिल है, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे आ गई, मान लो वन से गई, टू से ऐसे ऐसे आ गई, तो वन टू टू गई, टू टू थ्री, थ्री टू वन आ गई, तो इसका क्या होगा, पॉइंट सेम है, तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जब पॉइंट फंक्शन है, तो इस साइकिल के लिए, पूरे साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बचेगा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इक्वल टू वर्क परफॉर्म। तो किसी भी साइकिल के लिए summation of delta q equal to summation of delta w delta q delta w। ठीक है, ये होता है, क्यों होता है, देखो अलग अलग, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है, हर प्रोसेस में अलग अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगी, अलग अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म होगा। तो इन सारे प्रोसेस के हीट को हम ऐड कर देंगे तो किसको लोगा, सारे प्रोसेस में जो वर्क परफॉर्म हुआ उसके बराबर होगा। तो ये क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल। अब उम्मीद करता हूँ आपको थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ फॉर द प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक चीज और ड्राइव कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि वर्क है, देखो ये तो आप फाइंड आउट कर लोगे, टेम्परेचर में कितना चेंज आया उससे आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे, मगर वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप देख लो, इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे हम। वर्क फाइंड आउट करने के लिए मेरे भाई देखो, इसका गैस का प्रेशर क्या है, पी है, हमने पहले ही माना है, थ्रू आउट एक्सपेंशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप कहोगे सर ये बढ़ रहा है, जब कहीं पे एक्सपेंशन होता है प्रेशर घटना चाहिए, मेरे भाई यहां से उसको कंपनसेट करने के लिए हीट भी तो सप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, और फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रेशर इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, डेल्टा एक्स। अब इन दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करके देखो आप, ये दोनों क्या है भाई, पी डेल्टा एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ही तो है ये, देख लो आप, पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, इतना ही तो हुआ, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, तो यही लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम। तो फर्स्ट लॉ
अब द थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस को थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं तो कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको दिमाग में बिठा लो, ये पूरे प्रोसेस, पूरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में यूज होगा। जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।